गरगा नदी के तेज धारा में 12 वर्षीय बच्चे की बहने की खबर है। जानकारी के मुताबिक नहाने आया था बच्चा नदी में, जो बच्चा बह गया है वह बालीडीह थाना क्षेत्र के मुखदुमपुर गांव का निवासी बताया जा रहा है। बता दें कि 5 बच्चे एक साथ नहाने आए थे। सूत्रों के मुताबिक नदी में 5 बच्चों ने एक साथ छलांग लगाई थी, जिसमें से 4 बच्चे बाहर निकले तथा एक पानी की तेज धारा में बहने लगा। देखते ही देखते पानी के मझधार में फंस गया तथा नजर से ओझिल हो गया। मौके पर स्थानीय लोग और पुलिस की मौजूदगी से बच्चे की खोजबीन जारी है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जो बच्चा डूबा हुआ है उसकी पहचान एहसान बताया गया है, जो अपने मामा के घर आया था। परिजनों ने नदी के फाटक को बंद कर खोजबीन करने की मांग की है। यह घटना सीवनडी को मुखदुमपुर से जोड़ने वाले पुल के पास हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बच्चा यहाँ नहा रहा था, तैरते हुए जा रहा था आगे की ओर, नहीं बच पाया, बह गया। बाते-बाते कुछ लड़का लोग देखा, चार जन कूदा बचाने के लिए, बचा नहीं पाया। बहुत नज़दीक चल गया था, फिर भी नहीं बचा पाया, करीब बहुत दूर तक निकल गया। कितने बच्चा नहा रहा? बहुत बच्चा था, लेकिन उस ग्रुप में 4 बच्चा था। वो बच्चा का तो नाम पता नहीं है, इस्लामपुर का है, मारापारी थाना क्षेत्र का है। बच्चा कोशिश किया था हाथ दिखाने के लिए, डूब रहा था। कुछ बच्चा लोग दूरी में था, दूर से जाके बचाने का कोशिश किया, 4 जन बचा नहीं पाया। 20 से 1.5 घंटा पूर्व एक बच्चा डूबते हुए आ रहा था और उसको 3 व्यक्ति बचा रहे थे, लेकिन 3 व्यक्ति लास्ट में डूबने लगे तो बच्चा को छोड़ दिया गया। 200 मीटर के बाद वो बच्चा जो डूबा सवार नहीं निकला, ठीक है। तो हम लोग ने जिला अध्यक्ष मंजूर अंसारी साहब को बोल करके ये भी बोला, कांग्रेस में है वो, उनको बोला कि पानी का बंद करवाया जाए, जिससे उसकी लाश को दिया किसी भी क्यों देखा जाए। तो उन्होंने उच्च अधिकारी को कॉल लगाया और मौके पर उसके बाद 1 घंटे के बाद प्रशासन भी आई थी यहाँ पर ही। प्रशासन आने के बाद वो अपने से जाँच उच किया, बाकी तो पब्लिक सारे लोग देखें। बस 12 साल का वो बच्चा था और बच्चा का नाम फैज़ान अहमद नाम था, 12 साल का स्टूडेंट था वो। उनके पिताजी दिल्ली में जॉब करते हैं प्राइवेट से। नहाने के लिए आया था? वो नहाने के लिए आया था, लेकिन उनके माँ से हमने जाके बताया, उसकी माँ को, तो उसकी माँ ने कहा कि फूफू के घर में आया हुआ था किसी काम से, वो लाल मिर्च लेने के लिए, लेकिन उसके बाद वो दोबारा आया नहीं। तो हमने बहुत लड़का से चिन्हित करवाने के लिए उसके घर भी लेके गए, तो लेकिन घर जो था उसी व्यक्ति का था जिसके घर हम लोग पहुँचे, वो बच भी नहीं पाया। पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा है, इसी के लिए वो तो बात बाकी तो हम लोग कुछ कर भी नहीं सके।